हेलो नमस्ते एंड वेलकम, मैं हूँ शिवानी और आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। और लीजिए, एक बार फिर से शुरू हो चुकी है आपकी और हमारी गपशप, अरे मतलब आपका फेवरेट शो बॉलीवुड गपशप, जहाँ होता है आपका बॉलीवुड से डायरेक्ट कनेक्शन। क्योंकि भाई बॉलीवुड की जो खबरें होती हैं वो थोड़ी रॉकिंग और थोड़ी शॉकिंग होती हैं। तो चलिए करते हैं आज की खबरों का सिलसिला शुरू। देखिए, एक तरफ महिला हॉकी टीम जहां रण के मैदान में संघर्ष कर रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हमारी सीरियल की जो बहुएं हैं ना, वो भी कहीं ना कहीं रणभूमि में उतरकर संघर्ष ही कर रही हैं। वैसे कूद तो धारा की सासू माँ भी गई हैं, नहीं नहीं हॉकी के मैदान में नहीं, ये तो कुएं में कूद गई हैं। अब भले ही ये सासू माँ के ड्रामे की वजह से हुआ हो या फिर मोहल्ले वालों के ताने की वजह से हुआ हो, लेकिन चिंता मत कीजिए, इनको बचाने वाले भी वहां बहुत सारे लोग थे। धारा की सासू माँ को कभी कोई बात इतनी बुरी लग जाएगी कि सासू माँ इतना हाई ड्रामा करने पर उतर जाएंगी, ऐसा तो भाई किसी ने कभी नहीं सोचा होगा। लेकिन यकीन मानिए, ये जो सीरियल की सासू माएं होती हैं ना, पता नहीं क्यों ये अपनी बहू के साथ ऐसा हिटलर वाला बर्ताव करती हैं। खैर, अब यहाँ धारा की सासू माँ को देखिए, ये अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो सकती, लेकिन हाँ ड्रामा करने के लिए कुएं के ऊपर जरूर चढ़ सकती हैं। और ये सब ड्रामे इसलिए हो रहे हैं कि धारा को बच्चा नहीं हो रहा। अब मोहल्ले वालों को तो बातें करने के लिए किसी न किसी का घर चाहिए, सो इस घर पर उन्होंने इस बार धारा को ले लिया। अब यहाँ पीछे पीछे मम्मी को बचाने के लिए कुएं में गौतम भी कूदा, लेकिन भाई इतने छोटे से कुएं में कूदा और किसको किसने कैसे बचाया, ये तो भाई समझ ही नहीं आया। अब कुएं में दो लोग कूदने वाले थे, तो कम से कम कुएं का साइज तो बड़ा कर देना चाहिए था। ऐसा लग रहा है बस मानो बस उठाकर कुआं पर रख दिया गया हो। अब खैर, सीरियल में तो ड्रामे दिखाना होता है, क्योंकि भाई दर्शकों को एंटरटेन जो करना है। सो कितना भी ड्रामा क्रिएट हो, इससे क्या फर्क पड़ता है, चाहे कुआं बड़ा हो या छोटा। फिलहाल मम्मी जी कुएं से बाहर आ गई हैं और सबने उनको गले भी लगा लिया। लेकिन धारा ये मत मानिएगा कि बात यहाँ खत्म हो गई है, क्योंकि अभी तो बात शुरू हुई है। देखिए, कई बार जब हौसला डगमगा रहा हो ना, तो ऐसे में जरूरत होती है एक बूस्ट की, और उसके बाद एक मोमेंटम पकड़ लेते हैं आप। ठीक वैसा ही हौसला आज पुरुष हॉकी टीम को मिला है ओलंपिक में जबरदस्त जीत हासिल करने के बाद। इसके बाद टीम को एक बूस्ट मिल गया है। वैसे ऐसे ही धक्का मतलब बूस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं सई और विराट की प्रेम कहानी को। वो क्या है ना, याद है आपको रेखा जी कैसे आई थी सीरियल की शुरुआत अच्छी करने के लिए, और सीरियल में इनकी प्रेम कहानी अच्छे से आगे बढ़ जाए तो बस एक बार फिर से रेखा नजर आएंगे यहाँ। टीवी सीरियल गुम है किसी के प्यार में के अपकमिंग एपिसोड में पाखी को बड़ा झटका लगने वाला है। जी हाँ, ये सीरियल्स के झटके तो वैसे काफी नॉर्मल है, क्योंकि सीरियल की कहानी में बिना लटके झटके से काम नहीं चलता। अब पिछले एपिसोड में दिखाया गया था कि सई अस्पताल से वापस अपने घर आ गई है, और चौहान हाउस में लोगों के चेहरे पर खुशी देखकर सई ने किसी को भी नहीं बताया कि वो घर छोड़कर जाने वाली है। मतलब कि सई सबको सरप्राइज देने के प्लान में थी। वैसे सई आपके लिए ये आसान है, पर एक बार जरा विराट के बारे में भी सोचिए, आपके बिना उनका आखिर क्या होगा। और जैसे ही विराट को इस बात की भनक लगी, भाई उसके तो पैरों तले जमीन ही खिसक गई। सई विराट के सामने ही अपना सामान पैक करने लगी और उससे ये कह रही है कि वो अब से पुल की जीजू के घर रहेगी। सई का फैसला सुनकर विराट टूट गया। वहीं विराट सई को रोकने की पूरी कोशिश भी कर रहा है, लेकिन भला सई कहां मानने को तैयार है, उन्होंने तो पैकिंग कर ली है। खैर, आप चिंता मत कीजिए, विराट के प्यार में इतनी शक्ति तो जरूर है कि वो अपने सई को रोक ही लेंगे। और वहीं सई की वापसी के साथ ही पाखी को भी जोर का झटका लगा है। पाखी को लग रहा था कि विराट के मन में सई के लिए कड़वाहट पैदा हो जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। अब थक हार कर पाखी चौहान हाउस छोड़ने का फैसला कर ली है। अब आगे वो घर वालों से सिर्फ इतना ही कहेगी कि जब तक उसकी नौकरी नहीं लग जाती, तब तक वो अपने मम्मी पापा के साथ ही रहेगी। आज बर्थडे है राज के सिमरन का, अरे मतलब कि हमारी प्यारी काजोल का। काजोल देवगन मुखर्जी यानी कि काजोल बॉलीवुड की सबसे चुलबुली एक्ट्रेस मानी जाती है।
90 के दशक की बेहतरीन एक्ट्रेसेस में से एक काजोल बॉलीवुड को अब तक कई बेहतरीन फिल्में ये दे चुकी हैं। अब तक के फिल्मी सफर में काजोल की काफी खट्टी मीठी यादें भी रही हैं। तो आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में काजोल की कहानी। बॉलीवुड एक्ट्रेस काजोल 5 अगस्त को अपना बर्थडे सेलिब्रेट करती हैं। करियर के पीक पर शादी करने के बाद भी काजोल के लिए फैंस के दिलों में प्यार कभी कम नहीं हुआ। काजोल की गिनती आज भी हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेत्रियों के तौर पर होता है। शाहरुख खान और काजोल की जोड़ी आज भी सिनेमा प्रेमियों की सबसे पसंदीदा जोड़ियों में से एक है। इन दोनों ने बॉलीवुड में एक साथ मिलकर कई शानदार फिल्में दी है। काजोल बॉलीवुड के दिग्गज निर्माता निर्देशक शोमू मुखर्जी और अभिनेत्री तनुजा की बेटी हैं। काजोल की छोटी बहन अभिनेत्री तनीषा हैं। तनीषा अपनी बहन और माँ के मुकाबले बड़ा मुकाम हासिल नहीं कर पाई। काजोल बचपन से ही जिद्दी स्वभाव की रही हैं और वो एक बार जो बात ठान ले उसे पूरा करके ही दम लेती हैं। तभी तो वो अपनी बातें मनवाने के लिए अपने पेरेंट्स के नाक में दम कर देती थी, और इस बात का खुलासा काजोल ने खुद एक इंटरव्यू में किया था। काजोल ने बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत साल 1992 में आई फिल्म बेखुदी से की थी। इसके बाद काजोल ने बॉलीवुड की एक से बढ़कर एक फिल्मों में एक्टिंग किया और बड़े पर्दे पर अपनी अमिट छाप छोड़ी। काजोल ने अपनी फिल्मी सफर में बाजीगर, करण अर्जुन, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, कुछ कुछ होता है, कभी खुशी कभी गम, दिलवाले और तनाजी सहित कई शानदार फिल्मों में अपने अभिनय से दर्शकों का दिल जीता है। हिंदी फिल्मों के अलावा काजोल ने तमिल फिल्म में प्रभु देवा और अरविंद स्वामी के साथ काम किया था। सिनेमा में अपना खास योगदान देने के लिए काजोल को कई पुरस्कारों से सम्मानित भी किया जा चुका है। फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे सिर्फ शाहरुख काजोल की ही नहीं बल्कि हिंदी सिनेमा की शानदार फिल्मों में से एक है। इसके अलावा काजोल को फिल्म कुछ कुछ होता है, कभी खुशी कभी गम, फना, माई नेम इज खान के लिए फिल्म फेयर में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार भी मिला है। काजोल की फिल्म गुप्त साल 1997 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर में सर्वश्रेष्ठ खलनायिका का पुरस्कार भी मिला था। और इतना ही नहीं, काजोल को साल 2011 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित भी किया जा चुका है। काजोल अपनी फिल्मों के अलावा निजी जिंदगी की वजह से भी काफी चर्चा में रहती हैं। अभिनेता अजय देवगन के साथ लंबी प्रेम कहानी के बाद उन्होंने साल 1999 में उनके साथ शादी कर ली। अजय देवगन और काजोल की जोड़ी बॉलीवुड की शानदार जोड़ी कही जाती है। इन दोनों कलाकारों के बच्चे बेटी न्यासा और बेटे युग हैं। काजोल का सिंगापुर में मैडम तुसाद में वैक्स स्टैचू भी लगा है। काजोल ने पर्दे पर बहुत से हीरो के साथ काम किया, लेकिन उनकी जोड़ी सबसे ज्यादा शाहरुख के साथ पसंद की गई। शाहरुख और काजोल जब भी पर्दे पर आते हैं तो वो फिल्म दर्शकों को जरूर पसंद आती है। शाहरुख और काजोल ने बाजीगर, DDLJ, कुछ कुछ होता है, माय नेम इज खान, कभी खुशी कभी गम जैसी कई फिल्मों में साथ काम किया और ये सभी फिल्में सुपर हिट भी रही। आज भी दोनों के राज सिमरन और राहुल अंजलि के किरदार को सभी पसंद करते हैं। काजोल ने शाहरुख के अलावा अपने पति अजय देवगन के साथ भी कई सारी फिल्में की है। अजय जहाँ बेहद गंभीर स्वभाव वाले व्यक्ति हैं, तो वहीं काजोल हमेशा मस्ती के मूड में रहती हैं। और यही वजह है कि असल जिंदगी में इस जोड़ी को लोग बहुत पसंद करते हैं। और ये भी बताया जाता है कि अजय देवगन ने जब पहली बार काजोल को देखा था तो वो उन्हें बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी, लेकिन फिर वो उनके उसी चुलबुलेपन पर फिदा हो गए। वहीं काजोल को भी टॉल, डार्क, रफ एंड टफ लड़के पसंद थे। ऐसे में दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया और उन्होंने शादी कर ली। अच्छा, बचपन में शक्तिमान तो आप सबने देखा ही होगा कि कैसे वो लोगों को दुश्मनों और गुंडों से बचाता था। अगर हम आपसे कहें कि ये जाबाज हीरो सिर्फ फिल्मों में ही नहीं बल्कि रियल लाइफ में भी होते हैं, तो क्या आप भरोसा करेंगे? हालांकि रियल लाइफ के हीरो इनसे थोड़े अलग दिखते हैं, क्योंकि एक तो वो सीधे साधे कपड़े पहनते हैं और इनके पास कोई मैजिकल पावर भी नहीं होती। आज हम आपको एक ऐसे ही रियल लाइफ के हीरो से मिलवाते हैं जिन पर अब तक एक फिल्म बनाई जा रही है और फिल्म का ट्रेलर भी लॉन्च हो गया है। जी हाँ, बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन स्टारर फिल्म भुज द प्राइड ऑफ इंडिया का ट्रेलर लॉन्च हो गया है। ट्रेलर देखने के बाद से ही फैंस बेसब्री से इस फिल्म के आने का इंतजार कर रहे हैं। देखिए इस रिपोर्ट में फिल्म के बारे में।
फिल्म में अजय देवगन ने स्क्वाड्रन लीडर विजय कुमार कर्णिक का किरदार निभा रहे हैं। इस फिल्म में अजय देवगन के अलावा संजय दत्त, सोनाक्षी सिन्हा, नूरा फतेही, प्रणीता सुभाष, श्रद्धा कपूर, शरद केलकर के साथ साथ कई बड़े सेलेब शामिल हैं। सब फिल्म में अहम किरदार निभा रहे हैं। वैसे तो ये फिल्म रियल लाइफ की घटना पर आधारित है। इस फिल्म की कहानी भारत पाकिस्तान युद्ध पर आधारित है और इस युद्ध के हीरो स्क्वाड्रन लीडर विजय कुमार कर्णिक थे। यहाँ हम आपको इस जाबाज हीरो के बारे में बताने जा रहे हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि साल 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध को बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के नाम से जाना जाता है। ये युद्ध भारत के मित्रा वाहिनी बल और पाकिस्तानी सेना के बीच हुआ था। पर कई मुठभेड़ें कच्छ के रण में पाकिस्तान ने अपने इसी दुस्साहस के नतीजे में नाकाम होकर ऑपरेशन जिब्राल्टर की शुरुआत की। इस युद्ध की शुरुआत 11 भारतीय एयर स्टेशन पर पाकिस्तानी हमले से हुआ था। पाकिस्तानी सेना ने अपने इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन चंगेज खान के नाम से किया। ये युद्ध भार 3 दिसंबर 1971 से 16 दिसंबर 1971 तक हुआ था। भारतीय सेना 11 अलग अलग हिस्सों में पाकिस्तानी सेना से लड़ रही थी, लेकिन सबसे खास और अहम भुज का युद्ध रहा। 8 दिसंबर 1971 को गुजरात में भुज में रुद्र माता एयरफोर्स बेस पर 14 से ज्यादा नेपाम बम गिराए गए। इससे भारतीय वायुसेना के विमानों के उड़ान भरने में काफी दिक्कत हुई। पाकिस्तानी एयरफोर्स ने 14 दिनों तक कई बार ये हमला किया। इसी एयरबेस के कमांडर स्क्वाड्रन लीडर विजय कुमार कर्णिक थे। भारतीय वायुसेना सीमा सुरक्षा बल से मदद लेना चाहती थी, लेकिन उसके पास भी ज्यादा जवान नहीं थे। भुज के पास गांव माधापुर के लोगों ने भारतीय वायुसेना की मदद की और 72 घंटों के भीतर 300 महिलाओं को इस एयरबेस को फिर से तैयार करने की जिम्मेदारी भी दी गई और उन्होंने उसे पूरा भी कर लिया। स्क्वाड्रन लीडर कर्णिक ने अपने 2 ऑफिसर्स और 50 वायुसेना के जवानों और डिफेंस सिक्योरिटी के 60 जवानों के साथ मिलकर पाकिस्तान की तरफ से बमबारी के बीच ही इस एयरबेस को फिर से ऑपरेशनल रखने का मिशन पूरा किया था। इसके बाद भारतीय वायुसेना ने अपने मिशन को पूरा किया और दुश्मन को हरा दिया। एयरफील्ड ऑपरेशनल रहने की वजह से सेना के ऑफिसर्स और जवान को लेकर आ रही फ्लाइट सुरक्षित तरीके से लैंड हो सकी थी। सरकार की तरफ से एयरबेस की मरम्मत कराने वाली महिलाओं को 50,000 रूपए कैश के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। विजय कर्णिक भारतीय वायुसेना से रिटायर हो चुके हैं। उनका जन्म 6 नवंबर 1939 को नागपुर में हुआ था। उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की और इसके बाद वायुसेना में शामिल हो गए। देखिए, कहते हैं ना कि प्यार एक ऐसा एहसास होता है जो हर किसी की जिंदगी को पूरी तरह से बदल देता है। रिश्ते को कामयाब करने के लिए दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग की बहुत जरूरत होती है। कुछ ऐसा ही प्यार और आपसी समझ बिग बॉस के सीजन 9 के विनर प्रिंस नरूला और युविका के बीच देखने को मिलती है। देखिए इस खास रिपोर्ट में दोनों की प्रेम कहानी। एक्ट्रेस युविका चौधरी और प्रिंस नरूला सबसे क्यूट मैरिड कपल में से एक हैं। जब भी दोनों को एक साथ दिखाई देते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि वो इस जन्म में एक दूसरे के लिए ही बने हैं। रियलिटी शो में कपल के प्यार को देखकर कई लोगों को लगा कि शो में कपल सिर्फ नकली प्यार का दिखावा कर रहे हैं। हालांकि इन दोनों ने यह साबित कर दिया कि उनका प्यार सच्चा है और हमेशा रहेगा। युविका चौधरी और प्रिंस नरूला ने कई सारी कंट्रोवर्सी में रहने के बाद सब कुछ भुलाकर शादी की और दोनों की ये शादी सक्सेस भी रही। कई विवादों का युविका और चौधरी ने और प्रिंस नरूला ने एक साथ सामना किया और पहले से ज्यादा मजबूत होकर हमेशा सामने आए। आपको बता दें कि युविका चौधरी और प्रिंस नरूला पहली बार बिग बॉस सीजन 9 में मिले थे। जी हाँ, सलमान खान के शो में दोनों ने एक साथ भाग लिया था। जैसे ही युविका चौधरी और प्रिंस नरूला ने एक दूसरे से बात करना शुरू किया, दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और प्रिंस नरूला ने युविका चौधरी को बिग बॉस 9 के घर में प्रपोज किया था। बिग बॉस 9 के घर से जब युविका चौधरी बेघर हो गई तो प्रिंस नरूला का दिल टूट गया था, लेकिन प्रिंस ने उन्हें रियलिटी शो के बाहर आने के बाद साथ रहने का वादा किया था। आपको बता दें, जैसे ही युविका चौधरी सीरीज से बेघर हुई थी, प्रिंस नरूला को एक दूसरे को कंटेस्टेंट नोरा फतेही के साथ
फ्लर्ट करते देखा गया था। हालांकि चंद ही उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने गलती की है और उन्होंने माफी मांगी। बिग बॉस 9 जीतने के बाद प्रिंस नरूला ने युविका चौधरी से माफी मांगी और उनके लॉयल रहने का वादा भी किया। प्रिंस नरूला ने बिग बॉस 9 के घर से बाहर आने के बाद सबके सामने उन्हें प्रपोज किया और युविका चौधरी के साथ शादी के बंधन में बंध गए। दोनों सोशल मीडिया पर अपने फैंस के लिए नटखट अंदाज में रील बनाकर हमेशा शेयर करते रहते हैं। फिल्मों में विलन के दमदार किरदार से मशहूर और रियल लाइफ में मसीहा और एक बेहतर एक्टर की छवि रखने वाले सोनू सूद एक जानी मानी शख्सियत है। साउथ इंडिया के साथ साथ बॉलीवुड के गलियारों तक अपने जबरदस्त एक्टिंग से लोहा मनवाने वाले सोनू सूद एक वर्सेटाइल एक्टर हैं। सोनू एक सक्सेसफुल एक्टर के साथ साथ एक निर्देशक भी हैं और सोनू वो शख्स हैं जो घोर बारिश में छतरी बनकर किसी को बचाने के लिए तन जाते हैं, आंधियों की तरह चट्टानों पर अड़ जाते हैं। जी हाँ, सोनू असल जीवन के नायक है। हाल ही में सोनू सोशल मीडिया पर अपने प्रोजेक्ट्स को लेकर सुर्खियों में हैं। आइए देखते हैं सोनू की सुर्खियों की वजह इस खास रिपोर्ट में। फिल्म हैप्पी न्यू ईयर के बाद अभिनेता सोनू सूद और निर्देशक फराह खान एक बार फिर एक साथ आ रहे हैं। जी हाँ, इस बार फराह ने सोनू को साथ क्या निभाओगे गाने के लिए डायरेक्ट किया है। इस गाने के म्यूजिक वीडियो में सोनू सूद के साथ निधि अग्रवाल नजर आएंगी। सोनू, फराह और निधि ने इंस्टाग्राम पर इस गाने का पहला पोस्टर जारी किया है और साथ ही तीनों ने यह भी ऐलान किया कि इस गाने का टीजर 5 अगस्त यानी कि आज रिलीज कर दिया जाएगा। देसी म्यूजिक फैक्ट्री के निर्देशन में बना ये गाना साथ क्या निभाओगे, इस गाने की शूटिंग पंजाब में की गई है और इस गाने में सोनू सूद एक ऐसे किरदार में नजर आएंगे जो एक किसान के पुलिस अफसर बनता है। ये गाना 90 के दशक के मशहूर सॉन्ग साथ क्या निभाओगे का रिक्रिएटेड वर्जन है और इसे अल्ताफ रजा और टोनी कक्कड़ ने गाया है। गाने की शूटिंग के दौरान फरहान खान ने तस्वीरें भी शेयर की थी। इसे देखने के बाद सोनू सूद के फैंस को इस गाने का बेसब्री से इंतजार है। वहीं टीम को एक साथ लाने पर देसी म्यूजिक फैक्ट्री के प्रेसिडेंट और MD अंशुल गर्ग कहते हैं, इस विशेष गाने के लिए इन प्रतिभाशाली कलाकारों के साथ कोलैबोरेट करके मैं बेहद खुश हूँ। इस गाने के अनाउंसमेंट को मिली प्रतिक्रिया से हम अभिभूत हैं और हम उम्मीद करते हैं कि लोग इस गाने पर खूब सारा प्यार बरसाएंगे। वहीं निधि अग्रवाल भी इसको लेकर काफी एक्साइटेड हैं। उन्हें इसमें सोनू सूद और फराह खान दोनों के साथ काम करने की बहुत खुशी है। राहों में चलते यूं मुलाकात हो गई, म्यूजिक कंसर्ट में दोस्त बने, नेशनल टेलीविजन पर इश्क के इजहारे दास्तां बन गई। कुछ ऐसी ही राहुल वैद्य और दिशा परमार की लव स्टोरी है। दोनों कपल्स को फैंस के बीच काफी पॉपुलर हैं और दोनों की जोड़ी को काफी पसंद भी किया जाता है। दिशा राहुल हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं। अब हाल ही में दोनों की एक डिनर डेट की पिक वायरल हो रही है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। दिशा परमार अपने हस्बैंड राहुल वैद्य के साथ लंच डेट पर स्पॉट की गई। दोनों जोहू के एक रेस्टोरेंट पे पहुंचे थे और दिशा का लुक काफी सुर्खियों में है। एक्चुअली दिशा परमार शॉर्ट व्हाइट नेट ड्रेस में दिखी जिसमें वो काफी ग्लैमरस लग रही थी। वहीं इसके साथ उन्होंने चूड़ा भी पहना हुआ था। दिशा इन सिंपल लेकिन स्टाइलिश लुक में काफी खूबसूरत लग रही थी। वहीं खास बात ये थी कि दिशा परमार ने आज सिंदूर भी लगाया हुआ था। काफी समय से उन्होंने सिंदूर न लगाने के लिए ट्रोल भी किया जा रहा था, जिसका करारा जवाब हाल ही में दिशा ने अपने स्टाइल में दिया था। वहीं इससे कुछ दिन पहले भी राहुल और दिशा को उनके बेस्टीज यानी अली गोनी और जैस्मीन भसीन के साथ लंच पर स्पॉट किया गया था, जहां मिलकर सभी ने खूब मस्ती की थी। राहुल वैद्य और दिशा परमार की शादी को 21 दिन हो गए हैं। 16 जुलाई को मुंबई में दोनों ने धूमधाम से शादी की थी, जिसके बाद से ही ये कपल खूब खबरों में बने रहते हैं। शादी के बाद दोनों हनीमून पर जाने की बजाय एक साथ मुंबई में ही टाइम स्पेंड कर रहे हैं। दोनों ने हनीमून का प्लान कैंसिल कर रिलैक्स करने का फैसला किया था। सिर्फ रिलैक्स ही नहीं बल्कि दोनों काम में भी जुट गए हैं। हाल ही में दोनों ने एक एड के लिए साथ शूट किया, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई। दोनों की पहली मुलाकात भी किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में हुई थी और यहीं से इनकी दोस्ती का आगाज हुआ था।
बॉलीवुड गपशप में फिलहाल के लिए इतना ही। धमाकेदार एंटरटेनमेंट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।